दोस्तों, अगर आपके भी जो है फेसबुक ऐप में वीडियो नहीं चल रहा है, वीडियो प्ले नहीं हो रहा है, अगर आप लोग रील देख रहे हो तो रील प्ले नहीं हो रहा है या फिर रील नहीं चल रहा है, तो आप लोग कैसे इस प्रॉब्लम को दोस्तों ठीक कर सकते हो, वो ये आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना, और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो है फेसबुक को हमेशा अपडेट रखना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले फेसबुक को जाकर जो है अपडेट करना है। उसके लिए क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन करना है, यहाँ पर फेसबुक लिखना है, फेसबुक यहाँ पर आ जाएगा। देन आपको यहाँ पर दिखाई देगा अपडेट का ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको क्लिक करके सबसे पहले फेसबुक को जो है अपडेट कर लेना है। जैसे आप लोग अपडेट कर लोगे, देन आपको देखना है कि आपके वीडियो प्ले हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहा। बाकी जो है अगर अपडेट करने के बाद भी आपको वीडियो वगैरह प्ले नहीं हो रहा है तो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। अगर आपको अपडेट करने के बाद वीडियो प्ले नहीं हो रहा है, बाकी आपको जो है अपडेट जरूर कर लेना है फेसबुक को। अपडेट करने के बाद आपको एक बार चेक कर लेना है कि वीडियो प्ले हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। अगर वीडियो प्ले नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको वीडियो नहीं प्ले नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, फेसबुक ऐप जो है उस पर आपको थोड़ा सा ऐसे दबा के रखना है। जैसे आप लोग ऐसे लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐप इन्फो का, या फिर इस तरह से एक आइकन दिखाई देगा, तो इसी पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टोरेज यूजेज का। आपको ये ऑप्शन ऊपर नीचे दिख जाएगा कहीं पर स्टोरेज यूजेज या फिर स्टोरेज का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। देन आपको जो है क्लियर कैचे पर आपको क्लिक करके क्लियर कैचे करना है, देन बैक आना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ऊपर फोर्स स्टॉप का, ये ऑप्शन आपको ऊपर भी दिख सकता है नीचे भी। तो आपको फोर्स स्टॉप पर आपको क्लिक करके इसको फोर्स स्टॉप कर लेना है। देन आपको यहाँ पर क्या करना है, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों डाटा यूजेज का। इस पर आपको क्लिक करके आपको चेक कर लेना है कि आपका डाटा एक्सेस है या फिर नहीं है फेसबुक में। अगर आपका डाटा एक्सेस नहीं है तो आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है वीडियो प्ले करने में, फेसबुक ओपन नहीं होगा ठीक से। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर दिख रहा है डिसेबल मोबाइल डाटा। तो अगर आपको मोबाइल डाटा अगर आपका डिसेबल है इस तरह से, तो आपको जो है इसको ऑन ऑफ करना है, और अगर आपका ऑन है तो आपको जो है इसको ऑफ करना है। मतलब यहाँ पर दिख जाएगा कि आपने ऑन कर रखा है फिर ऑफ कर रखा है, तो ऑफ कर रखा है तो आपको उसको ऑन करना है आपका डाटा को। यहाँ पर दिख रहा है मेरा डिसेबल मोबाइल डाटा, मतलब इसको मैं ऑफ ऑन करूँगा तो ये मेरा डाटा यहाँ पर जो है डिसेबल हो जाएगा। तो आपको चेक कर लेना है कि आपका नेटवर्क एक्सेस आपने दे रखा है या फिर नहीं दे रखा है। इतना करने के बाद आपको चेक कर लेना है कि आपका जो है मतलब फेसबुक को ओपन करना है। देन आपको देखना है वीडियो प्ले हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आपको प्ले वीडियो वाले ऑप्शन पर आना है और आपको देख लेना है कि यहाँ पर वीडियो प्ले हो रहा है नहीं हो रहा। मेरा फिलहाल प्ले हो रहा है, लेकिन अगर आपका इसके बाद भी प्ले नहीं होता तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है दोस्तों। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको राइट साइड में यहाँ पर जो है थ्री लाइन दिखाई देगी, इस तरह से इस पर आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आपको यहाँ पर एक सेटिंग का एक आइकन दिख रहा है छोटा सा आपको दिख रहा है राइट साइड में, तो इसी पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। और आपको यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। देन आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा इसको ऊपर करना है, तो आपको दोस्तों एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर देख सकते हो मीडिया का। तो आपको सिंपली से मीडिया पर आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है ऑन मोबाइल डाटा एंड वाईफाई का, इसके आगे आपको टिक मतलब ये वाला जो है बंद हुआ होगा, ये वाला ऑप्शन आपके यहाँ पर जो है सेलेक्ट हुआ होगा नेवर ऑटो प्ले वीडियो में, ये वाला ऑप्शन मतलब कि आपके जो है ऑटो मतलब ऑटोमेटिक जो वीडियो प्ले होता है फेसबुक में वो नहीं हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इसको ये वाला ऑप्शन वो सेट हुआ होगा आपके नेवर ऑटो प्ले वीडियोज़, तो आपको क्या करना है ऑन मोबाइल डाटा एंड वाईफाई वाला पर क्लिक करके इसको जो है टिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है वीडियो स्टार्ट विद साउंड, इस पर भी आपको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। बस दोस्तों, आपको इतना सा काम करना है, अब आपके फेसबुक में जो है ऑटोमेटिक में वीडियो प्ले होने लग जाएंगे और आपका यहाँ पर जो है वीडियो वगैरह प्ले हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, बाकी आपको जो है कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आराम से आप लोग रील देखो, फेसबुक में वीडियो देखो, वो वीडियो प्ले होगा, सब कुछ होगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।